कैसे हैं आप सभी? आ रहा है ना इस दाल को देखकर आपके मुँह में भी पानी। तो आज हम ऐसी ही मज़ेदार सी दाल बनाएंगे, दाल मखनी, जो रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनेगी, वो भी बहुत ही कम वक्त में, बहुत कम सामान के साथ। झटपट से इस बढ़िया सी टेस्टी सी दाल को बनाकर हम तैयार करते हैं और इसे नान, चावल या जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली एकदम टेस्टी टेस्टी दाल हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये दाल, ये जो काली वाली उड़द की दाल होती है छिलके वाली, वो है, और ये राजमा, इसको मैंने रात भर के लिए सोख करके रखा था। अगर आप इस दाल को सुबह बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको इसे 6 घंटे के लिए सोख करना होगा। इसे ओवरनाइट के लिए रख दीजिए, यही सबसे अच्छा है। तो अब इस दाल को मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि ये जो उड़द वाली दाल होती है, ये काली वाली जो दाल, जिसे हम माँ की दाल भी कहते हैं, ये काफ़ी रंग जो है वो छोड़ देती है, तो अच्छे से ज़रूरी है इसे वॉश करना। तो यहाँ पर इसे मैंने कुकर में निकाल लिया, इस पर पानी डाल दिया है, और ये 1/2 चम्मच छोटी वाली हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और ये 2 बड़ी इलायची मैं इस पर डाल रही हूँ, और ये मक्खन, ये मैंने आधा जो टिक्की होती है मक्खन की, उससे आधा लिया है। और यहाँ पर ये मैंने 3 टमाटर की प्योरी बनाई है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मक्खन में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, वरना दाल में जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद नमक स्वाद अनुसार, और अब यहाँ मैं इसमें ये चुटकी भर, यानी ये करीबन 2 चुटकी से ज़्यादा सोडा नहीं होगा, बस इतना सोडा ही इसमें हम डालेंगे। सोडा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये राजमा और इस दाल को गलने में काफ़ी वक्त लगता है, बहुत सारे आपको इसमें कुकर में सीटी लगानी पड़ेगी, तब ये जाकर ये दाल और ये राजमा जो है वो अच्छे से गलेंगे। तो सोडा से ये थोड़ा जल्दी गल जाएंगे, बट अभी इसका लिड हम नहीं लगाएंगे जब तक इसमें इस तरह की ये देखिए बबल्स ना आ जाएँ, क्योंकि इसमें हमने टमाटर भी डाला है, और सोडा और टमाटर अगर आपने ढक्कन लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर करीबन 1 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन लगाया है, और 8 से 10 सीटी आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये दाल और राजमा आपको दिखेंगे। 8 सीटी लगाने के बाद भी ये पूरी तरह से मैश नहीं हुए हैं, तो इन्हें मैश करने के लिए अब मैं यहाँ पर इस रई का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे जो रेस्टोरेंट या ढाबा होता है वहाँ पर भी इसी तरह की रई का इस्तेमाल होता है। तो बस इससे इसको हम चला देंगे और अच्छे से इसको, ये देखिए मिक्सअप जितना होना चाहिए था उतनी हो गई है। आपको इसे कितना मिक्स नहीं करना है या कितना मिक्स करना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ऐसी एकदम खड़ी खड़ी दाल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ देखिए टेक्सचर जो है वो एकदम परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो बस अब इसको इस तरह से चलाकर और इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाने तक हम पका लेंगे, ताकि जो राजमा और दाल थोड़े बहुत भी अगर बड़े टुकड़े रह गए हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस एक अच्छा सा बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे, और यहाँ पर दाल मक्खनी है तो इसमें मक्खन तो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से हम चला देंगे। आप अमूल की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास अमूल की क्रीम नहीं है तो मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल वाली क्रीम का ही इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ हमारी दाल तैयार है, इसका तड़का रेडी करते हैं। तो यहाँ इस फ्राई पैन में हम देसी घी डालेंगे, और देसी घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, और इसमें मक्खन,
यहाँ देखिए ये जो आधी टिक्की जो बची हुई थी वो मैंने इसमें डाली है, आधी हमने दाल में डाली थी और अब ये इसमें, और अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर आपको घी और मक्खन में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें कोई मसाले हम नहीं डाल रहे हैं, तो फ्लेवर तो जो है वो इन्हीं से आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। तो मक्खन को अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं और ये देखिए किस तरह से घी में अच्छे से मेल्ट हो रहा है हमारा बटर। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ये एक चम्मच ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर शाही ज़ीरा है तो आप शाही ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल ज़ीरा था तो मैंने वही इस्तेमाल किया। ये 3 तेज पत्ते और इसको अच्छे से सेक लेंगे हम, और तेज पत्ता अच्छे से सिक जाए, घी में अच्छे से चटक जाए ये ज़ीरा, तो इसमें ये कुटा हुआ लहसुन और अदरक, आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लहसुन और ये जो अदरक है वो थोड़ा सा दरदराई पसंद है, तो मैं यहाँ पे बारीक चॉप करके इसको डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सेक लेंगे इस बटर में और ये लहसुन में अच्छा सा कलर आ जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। घी में जब लहसुन सेकते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच गरम मसाला, ये हमारी दाल को बहुत अच्छा फ्लेवर और साथ में बहुत अच्छा कलर देगा। तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है दाल में जाने के लिए, तो फटाफट से इसको हम हमारी दाल में डाल देते हैं। और ये लीजिए दाल भी तैयार है, तड़का भी इसमें लग चुका है और अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी फटाफट और कितना बढ़िया टेक्सचर इसमें आया है, बहुत ही जल्दी ये बन गई। और अब इसमें लास्ट एक चीज़ और वो है ये कसूरी मेथी। आप चाहें तो आप इसे तड़के के साथ भी डाल सकते हैं, पर तड़के के साथ डालने से जो इस कसूरी मेथी होती है इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाता है, लेकिन इसका जो ग्रीन कलर होता है मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो बिल्कुल रेडी है हमारी दाल, चलिए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर इस हांडी में मैंने इसको निकाल लिया है और अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम क्रीम स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी दाल मखनी बनकर। बस इसे बनाने में हमें उतना ही वक्त लगा जितना राजमा और दाल को बॉईल होने में, बाकी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिलती रहे।